यशोमती मैया के नंदलाला। सुनो, दोपहर में हम सब मिलेंगे। दोपहर में? तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। चंपा कन्या राव भैया के ता समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध दही माखन घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी, वो भी केवल एक दिन की नहीं पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी, जशोदा जी और नंदराज व्यर्थी चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते हो तू, काजल लगाने दे मुझे। भैया पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुंडी? हाँ हाँ रुक जा, चले बस होगा प्रसन्न। मैया मैं ना चाहता मैं इसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा, अब मुझे काजल लगाने दे लेना। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी लल्ला। उनको तो आ सकता ही ना है मैया, वो तो गोकुल के राजा है, वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत ही करो, आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़े ना हूँ, मैं भी गोकुल की स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई है। उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी अभी, पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी, इतनी शीघ्र पलट गई, इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे कछु करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ,
कैसी समस्या? लोग का भयानक राक्षस कहीं ना गयो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही वो है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज से घर पे दूध दही माखन घी सिर्फ एक बारी मिलेगो। पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध दही माखन घी बचाकर उस व्यापारी को दो गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से? और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों, पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया, लाओ मैं से ऊपर रख देती हूँ। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी? ना। तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खाया है, सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो। मैंने रे, तूने तो सच्ची में मखन खायो है, तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार दंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है, और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए, और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा दूर हो जा मेरे कक्ष से, और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है। इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है, माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास कियो तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पत्तों पड़ जाएगा। मैया, ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जा, ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती है कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, नंजी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गयो। इतना सारा माखन, दृष्टि मत लगा, पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा कियो है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावी, तू अभी छोटी है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरम्भ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरम्भ हो गई है काना, वो मैया ने कहो है दूध चाहिए या दही चाहिए या माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगो। तब
हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले ये हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन रहा हूं। दूध दही माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है, फिर घर के बालकों का, और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ काना, तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ, ना पिछली बार तुमने ही कहा था ना कि हम ये चोरी केवल वानर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं। लो वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, आज कोई किसी का साथ